कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि जो बॉलीवुड मूवीज है, जो बड़े बैनर की मूवीज भी हो रही है, वो फ्लॉप हो रही है. बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी भी फ्लॉप हो रही है. ऐसे में साउथ इंडस्ट्री जो है वो काफी हद तक बॉलीवुड को एक तरह से ओवरटेक कर रही है, क्योंकि साउथ के एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे और पसंद भी किए जा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं डर होता है कि यार अब मूवी रिलीज होने वाली है 1 महीने में, तो क्या हमारी मूवी को उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ ऐसा डर है दिमाग में, कुछ ऐसा आ रहा है? यार नहीं, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू अप्स एंड डाउन. ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ने पहले नहीं देखा ये. एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू दिस. देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. वी विल आल्सो धीरे धीरे हम भी अपने उस पर आ जाएंगे. वी हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, व्हिच इज अ गुड थिंग. लाइक दिस फिल्म इज एन एक्सपेरिमेंट, ब्रह्मास्त्र इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट? एटलीस्ट वी आर मेकिंग दैट एफर्ट टू डू व्हाट वी वांट टू डू. आई थिंक वो बैलेंस आने में शायद टाइम लग सकता है, बट वो आएगा जरूर. देर इज इफ एनीथिंग गोज डाउन इट विल कम अप फॉर श्योर. एनीथिंग दैट गोज अप विल कम डाउन फॉर श्योर. सो इट इज इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. साउथ मूवी इज डूइंग वेल, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. बट एज अ होल इट्स नॉट लाइक हम कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कि साउथ की मूवीज अच्छा करिए तो हमें एक और कुछ करना है. ऑफकोर्स वो किसी लोगों के दिमाग में आता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट इट्स मनी मेकिंग बिजनेस. बट आई थिंक एवरीथिंग विल कम इनटू बैलेंस सूनर और लेटर. That's wonderful and we are hoping कि आपकी जो मूवी है वो बहुत अच्छा धमाल करे, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी काफी डिफरेंट लग रही है और ट्रेलर देख के लग रहा है कि नहीं यार देखनी चाहिए. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, बहुत सारे ऐसे साउथ के स्टार्स हैं और बॉलीवुड स्टार्स भी हैं जो साउथ की मूवीज कर रहे हैं, साउथ स्टार्स बॉलीवुड में ही डेब्यू कर रहे हैं. आपका कुछ ऐसा प्लान है? आप क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप भी एक बार साउथ में मूवी करें या समथिंग लाइक दिस? यार मेरा प्लान कुछ भी नहीं है, पर मेरा प्लान है मुझे सब कुछ करना है. एनीथिंग गुड दैट कम्स माय वे आई वुड लव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. आई लव सिनेमा. आई डोंट केयर व्हाट लैंग्वेज इट इज. I don't care what form it is. I just love cinema. I came to Bombay. मैं बम्बई आया था यही सपने लेकर कि मुझे फिल्म का एक्टर बनना है, जो धीरे धीरे पूरा हो रहा है. एंड वो बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली हंगर ही बढ़ती रहेगी. और मेरा हंगर बस यही है कि आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग दैट कम्स माई वे. बहुत छोटी जिंदगी है, काम बहुत सारा करना है, तो बस बट या एनी थिंग दैट कम्स अप माई वे आई वुड लव टू ग्रैब इट. आपने एकदम आर्टिस्ट वाली बात की कि भाई कोई लैंग्वेज और कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट एन आर्ट और मुझे सब कहीं काम करना है, हर कुछ यू नो ट्राई करना है कहाँ पे क्या चल रहा है. दैट्स वंडरफुल एंड वी आर होपिंग कि हम कभी आपको साउथ में भी देखें, क्योंकि आई थिंक आपके फैंस yes, जाते होंगे.